गाइस साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से और हॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से दो बहुत ही जबरदस्त मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। एक साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से हिंदुस्तान 2 मूवी का ट्रेलर और हॉलीवुड की तरफ से रेड 1 मूवी का ट्रेलर। दोनों ही गजब लेवल का ट्रेलर है, एकदम आउटस्टैंडिंग लेवल का। पहले हम लोग हिंदुस्तान मूवी के बारे में बात कर ले तो उसके बाद हम रेड 1 मूवी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू कर। हिंदुस्तान मूवी में कमल हसन हमें फिर से जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त स्टोरी के साथ दिखने वाले हैं, जो कि बहुत ही धमाकेदार लग रहा है यार, क्योंकि कमल हसन की मूवी यार सब की सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है, हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसमें यह ट्रेलर भी देख के पता चल रहा है कि मूवी कितना दम है, एक्शन कॉमेडी। हिंदुस्तान 1 मूवी हम लोग देखिए, हिंदुस्तान मूवी भी कम नहीं है यार, जबरदस्त लेवल की मूवी यार बनाया है। हमारे कमल हसन के एकदम खतरनाक ब्रूटल एक्शन का क्या लुक लग रहा है यार, कमल हसन का एकदम जबरदस्त लुक। मुझे तो लगता है कि आज के जनरेशन में बूढ़े को बूढ़ा नहीं समझना, जवान को भी यार आजकल के बूढ़े लोग फेल कर देंगे। जिस लेवल का कमल हसन इसमें एक्टिंग कर रहा है, इस लेवल के एक्शन करेंगे इस मूवी में, और मैं तो यार डेफिनेटली इस मूवी को देखने जाऊंगा। वैसे दूसरी मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, रेड 1 मूवी में हमारे सबके फेवरेट ड्यूइन जॉनसन और क्रिस इवांस दिखने को मिलेंगे। और क्रिस इवांस है और ड्यूइन जॉनसन का कॉमेडी खतरनाक लेवल का इस मूवी में ट्रेलर में दिखाया गया है। अभी तक लगता है कि हिंदी में अभी डब नहीं हुआ है, लेकिन आप अभी देखने जाएंगे तो आपको समझ में तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ये बात मत समझिए कि यह मूवी बेकार होगी, एकदम गजब लेवल की मूवी होगी या ट्रेलर ही में देख के पता चल रहा है अच्छी तरह। यह मूवी जुमांजी मूवी की तरह ही एकदम जबरदस्त लेवल की होगी, क्योंकि जुमांजी जिस तरह की फैंटेसी मूवी है उसी तरह का इस मूवी को भी फैंटेसी बनाया गया है। और ज्यादा बात तो नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में यार आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये दोनों के कॉमेडी यार इस ट्रेलर में किस लेवल का दिखाई दे रहा है। मुझे तो यार जबरदस्त लग रहा है, इसमें फैंटेसी भी फुल अच्छी तरह से एकदम अलग अलग तरह का लेवल का फैंटेसी दिखाया गया, अच्छी तरह दिखाया गया। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को देखने जाइएगा। अभी तो फिलहाल रिलीज नहीं हुई, थोड़ा टाइम है, पर रिलीज होगी तो मैं डेफिनेटली देखने जाऊंगा इस मूवी को भी।